पॉल्यूशन वाला दिन है आज। 327 तक पहुंचा है नोएडा का AQI और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सीजन का सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाला आज दिन है क्योंकि AQI नोएडा का 327 तक पहुंच गया है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ऑफिस के पास सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है। नोएडा के कई इलाकों का AQI 300 पार कर गया है। सेक्टर 1 का AQI 327 है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग का ऑफिस है यहाँ पर। सेक्टर 116 का AQI 318, सेक्टर 125 का AQI 287, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 का AQI 249। नोएडा प्राधिकरण ने 20 टैंकर पानी के छिड़काव के लिए लगाए हैं और यही बढ़ते AQI को देखते हुए 14 टीमों को निगरानी के लिए लगाया गया है। नोएडा में ग्रैब स्टेज 2 लागू हो चुका है और उसके बावजूद भी आज का दिन सबसे गंदा दिन है पोल्यूशन को लेकर। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप खुद देखेंगे कि सफेद चादर में इस वक्त नोएडा लिपटा हुआ है। जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो पूरी तरीके से इनविजिबल हैं, दिखाई नहीं देंगी। सफेद चादर में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, और ये कोहरा नहीं है, कुछ और नहीं है, ये पोल्यूशन की धुंध है। जाहिर सी बात है कि जब पोल्यूशन होगा तो लोग बीमार पड़ेंगे। आज AQI 327 के पार है, इससे पहले इतना पार नहीं गया इस मौसम में। यानी ये कहें कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो हमेशा NCR में पोल्यूशन देखा जाता है, उसी का नतीजा है कि इस बार फिर दोबारा से इसी तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि सेक्टर 1, जो नोएडा सेक्टर 1 है, सबसे ज्यादा पूरे शहर में वहां पर पोल्यूशन है और वहां पर पोल्यूशन विभाग का दफ्तर भी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गंभीर है लोग, अधिकारी, जो पोल्यूशन कम कराने के लिए। नोएडा विकास प्राधिकरण अपने दावे करता है लेकिन वो दावे खोखले साबित होते हैं जब AQI बढ़ता है। के साथ दानिश भारत समाचार नोएडा। और देखिए सीजन का सबसे ज्यादा पोल्यूशन नोएडा से ही तस्वीरें सामने आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागपत से खबर है जहां पर टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन की दबंगई सामने आई है।